हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्लिपकार्ट पर अभी अभी बिग मिलियन सेल निकल के गई है, जो कि साल की सबसे बड़ी सेल होती है। यानी कि बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है इसमें, चीजों पर बहुत सस्ती चीजें मिल जाती हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। अब आप लोग, पता नहीं ऐसा आप लोगों को लगता है या नहीं, बट मुझे लगता है ये साल की सबसे बड़ी सेल होती है। भाई, साल में एक ही बार आती है ये वाली सेल और अच्छा खासा डिस्काउंट देके जाती है। और सच में मैंने जो खरीदा है तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिला है। अब वो चीजें महंगी हो गई है फिर से, और सेल में ही कुछ दिन के लिए सस्ती हुई थी तो वो अभी निकल के गई है। और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत सारी तो नहीं लेकिन हाँ की है, थोड़ी बहुत की है, जितनी मुझे करनी थी, जितनी चीज की मुझे जरूरत थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मैं बिग बिलियन सेल का हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने क्या क्या खरीदा है। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी हैं एंड कुछ होम, कुछ क्या मतलब होम डेकोर आइटम है एक दो, एंड जो मेरी जरूरत की चीजें थी, जो मुझे लगा कि मुझे नीड है इस चीज की, वो मैंने खरीदी। तो मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में यही शेयर करूंगी कि मैं क्या खरीदा है। क्योंकि क्या होता है कि पहले क्या था, फ्रेंड्स होती थी तो वो आती थी घर पे तो हम उन्हें दिखाते थे कि क्या कहते हैं, मैंने ये खरीदा है, मैंने ये, एक दूसरे को दिखाते थे ना कि हमने ये लिया है, वो लिया है। पर तब मतलब सेल का इतना ट्रेंड नहीं था कि सेल चले, पहले मार्केट से कुछ लाते थे तो अपनी फ्रेंड्स को दिखाते थे कि देख मैंने ये लिया है, वो लिया है, वो लिया, तो बड़ा अच्छा लगता था, बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन अब कोई फ्रेंड ही नहीं है, मतलब है बट सब लोग अलग अलग हो गए हैं, सबकी शादियां हो गई हैं, सब दूर दूर चले गए हैं, तो किसी से यार अपनी शॉपिंग दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। अब आप लोग ही मेरी फ्रेंड हो तो मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा गाइज। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप ही स्किप करके देखोगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम डेकोर आइटम के, जो कि मेरी शॉपिंग में शायद ही सबसे बड़ा आइटम है। यही है भाई सबसे बड़ा आइटम। अब आप समझ लो कि बाकी कितने छोटे छोटे पुण्य पुण्य से आइटम होंगे। तो ये है हमारा होम डेकोर आइटम जो कि मैंने मंगाया था, फ्लावर पॉट। ओ माय, इतना भारी है नहीं बट मैं थोड़ा सा इसको केयर से निकाल रही हूं वरना ये टूट टाट जाए वैसे। तो गाइज, ये है हमारा फ्लावर पॉट जो कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसका जो बेस है ये प्लास्टिक का है और ये भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स है तो टूटने का कोई डर भी नहीं है। ये मुझे जरूरत थी मतलब कॉर्नर में रखने की, मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे पॉट टाइप का चाहिए था, तो आर्टिफिशियल ही चाहिए था एंड प्लास्टिक बेस ही चाहिए था। क्योंकि मेरा चीकू तो अगर मैं रख के भूल भी गई ना इसको, वैसे मैं शूट करने के बाद इसको उठा के रख देती हूँ सच बताऊं तो, क्योंकि वो इसको फिर अपना टॉय समझेगा। तो मैं इसको, मैंने इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट लिया था कि अगर रख के भूल भी गई और चीकू बाई चांस इसको उठा भी लेता है तो ये टूटे नहीं। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, इसका जो मतलब कलर कॉम्बिनेशन है पिंक एंड व्हाइट फ्लावर्स का, तो बहुत अच्छा लगा। एंड ये मुझे मिला था सेल में 271 रुपीज का। अब शायद ये महंगा हो गया है, सॉरी गाइज, सेल निकल चुकी है तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा सामान आने में, सब इकट्ठा होने में टाइम लगा था। अब सारी चीजें आ जाती तभी तो मैं हॉल शेयर करती, पहले ही कैसे कर लेती, इसलिए मैं अब शेयर कर रही हूँ। बट कोई बात नहीं, अगर आपको चाहिए हो तो मैं लिंक तो डाल ही दूंगी। बाकी दिवाली वगैरह की अभी काफी सेल आएंगे तो आप लोग अगर चाहें तो परचेस कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, 271 रुपीज का, अच्छा है ना, मुझे बहुत प्यारा लगा। एंड गाइज, अब हमारा नेक्स्ट आइटम क्या होने वाला है, तो कुछ मेकअप से रिलेटेड चीजें होने वाली हैं जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने वैसे बहुत सारी शॉपिंग अभी नायका से की थी, पता नहीं पर्पल से ध्यान नहीं है, मैंने हॉल डाला था तो आप चेक कर लेना। और उसके बाद में मुझे कुछ जरूरत लगी तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, बहुत सस्ती हो गई थी तो मैंने कहा यार मंगा ही लेते हैं। तो ये कुछ आई शेडो पैलेट है जो मैं बहुत दिन से मंगाने की सोच रही थी। मैं अपनी जो यूज कर रही थी उससे यूज कर करके ना उसको सच बताऊं तो पक गई मैं, तो मैंने ये मंगाई है। आपने देखा होगा मैंने इसको अभी रिसेंट ही अपनी एक वीडियो में यूज किया था। सो ये मंगाई थी मैंने श्रेयॉन की आई शेडो पैलेट है, जो कि गाइस सच बताऊं मैंने जब इसको यूज किया ना तो मुझे ये इतनी अच्छी लगी कि मैं क्या ही बताऊं। और ये सेल में ना बहुत सस्ती हो गई थी, अभी महंगी हो गई है। इसमें जो शेड्स है ना वो बहुत प्यारे हैं, सारे शेड्स बहुत पिगमेंटेड हैं,
मतलब लगाने के बाद मजा ही आ गया, मैं क्या बताऊं। तो आप देख सकते हैं इसको, इसमें सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं, लाइट शेड्स भी हैं, मीडियम भी हैं, कुछ इसमें डार्क शेड्स भी हैं, और यहाँ पर इसमें हाइलाइटर भी दे रखे हैं, तो आप अलग से हाइलाइटर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, और गेस कर सकते हो आप कितने की होगी ये, मात्र 261 रुपीज की मैंने इसको परचेज किया था श्रेयॉन की। मैं आपको लिंक दे दूंगी, अगर ये फिर से सस्ती हो तो आप बाय कर सकते हैं, बहुत ही मतलब मुझे इतने रुपए में बहुत रीजनेबल, मतलब अफोर्डेबल है ना, है नहीं है। इससे मेंशन भी है आई शेडो एंड हाइलाइटर पैलेट, तो इसमें हाइलाइटर भी है और मुझे ये बहुत प्यारी लगी। आप देखिए मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी जब मैंने इसको यूज किया। गाइज आप लोग ट्राई करके जरूर देखना, अगर आप लोग भी देख रहे हो कोई आई शेडो पैलेट तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखना, इतने रुपीज में तो बहुत ही बढ़िया आइटम है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा गाइज, ये है शुगर पॉप का काजल, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ही परचेज किया है, बट इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे, एंड ऊपर से मेरी सिस्टर ने भी मुझको बोला था कि ये ट्राई करके देख, क्योंकि वो पहले से ही इसको यूज कर रही थी, बोली बहुत अच्छा काजल है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी मंगा के देखती हूँ। ऊपर से ये सेल में इतना सस्ता हो गया था, मेरी सिस्टर को भी इतना सस्ता नहीं मिला था, उसने शायद 150-160 का खरीदा था, बट मैंने ये जिस दिन लिया था उस दिन एकदम से इसके प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गए थे और हो गए थे 123 रुपीज। तो ये मैंने मात्र 123 रुपीज का लिया था। मैं पहले मेबलिन का और एन वाई बे का मैंने अभी जस्ट यूज किया है, और नायका कह रही हूँ लैक्मी का भी मैं यूज कर चुकी हूँ, तो मैं मेबलिन का ही लेने की सोच रही थी। मैंने फिर से मेबलिन का ले लेते हैं, वो येलो कलर का जो आता है, बट मैंने अपनी सिस्टर के कहने से ये वाला परचेज किया। देखते हैं, शुगर पॉप अच्छा ब्रांड है, शुगर पॉप ये अच्छे हैं, इसके प्रोडक्ट्स बड़े महंगे आते हैं, तो मैंने कहा चल यार सस्ता भी हो गया है, इसको ट्राई करके देखते हैं। और काजल तो कोई सा भी ले लो, बहुत ही अच्छा सा काजल है, और देखते हैं इसका रिव्यू तो अच्छा है, बाकी मैं यूज करूंगी तो देखूंगी कि कैसा है। नेक्स्ट आइटम हमारा क्या होने वाला है, वो है ये डब्बे की हालत देखो यार कैसी हो गई है, मैंने खोल खाल के इसको लोगों खराब कर दिया। तो ये है फेस वॉश, जो कि मेरा खत्म हो चुका था, इसको भी मुझे मंगाना था। ये है गाइस प्लम का फेस वॉश, जो कि ग्रीन टी है, पोर क्लींजिंग फेस वॉश है, ऑयली जो ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन जो स्किन होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। मेरी ऑयली भी है प्लस एक्ने भी, मेरे को बहुत इश्यू रहता है एक्ने का, एंड इसको मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा इसको फिर से रिपर्चेस कर लेते हैं। एंड ये मुझे 94 रुपीज का पड़ा था सेल में, अब शायद महंगा हो गया है। एंड 50 ml है ये, और 100 ml इसका 200 के आसपास है, तो आपको जो भी चाहिए हो, मैंने पहले इसका छोटा साइज ही मंगाया था, मैंने कहा पहले छोटा ही मंगा लेती हूँ, क्योंकि जो 100 ml वाला था उस पर प्राइस नहीं कम हुए थे, उस पर हुए थे, मैंने कहा चल छोटा मंगा लेते हैं, छोटा ये काफी चल जाएगा, कितना दिन में एक बार वॉश करना होता है, वो भी मैं कहीं जाती हूँ तो आने के बाद, क्योंकि डस्ट वगैरह फेस पे बहुत ज्यादा हो जाती है इसलिए। एंड मॉर्निंग में तो मैं बहुत ही कम करके इसको यूज करती हूँ, ज्यादातर मेरा शाम को जाना होता है घूमने, तो मैं शाम को आके ही करती हूँ इसको वॉश, तो इतना ये काफी चल जाएगा, 2-3 महीने चल जाएगा, तो मैंने इसलिए छोटा ही मंगाया था। बाकी अच्छा है ये, मतलब ऑयली स्किन एंड जो एक्ने वाली स्किन है ना उनके लिए बहुत अच्छा है। और फिर मुझे लगता है कि फेस पर ना थोड़ा चेंज कर करके चीजें यूज करो तो डर लगता है, अब मैं इसको पहले यूज कर चुकी थी तो मुझे आइडिया भी था कि ये मेरी स्किन के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने इसको ही परचेज किया, वरना मैं चाहती तो दूसरा भी मंगा लेती, क्योंकि सेल में तो सारे ही मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट सस्ते ही हो रहे थे, बट मैंने कहा यही मंगा लेते हैं फिर से, क्योंकि इसको यूज करने के बाद मेरे पिंपल्स वगैरह नहीं निकल रहे थे, तो मैंने इसीलिए इसको मंगाया। अच्छा है, आप लोगों को अगर चाहिए हो तो आप ले सकते हो, आपकी भी मेरी तरह स्किन है तो। एंड गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, पाड़ी देते हो क्या करना है इन डब्बों का, तो ये है क्या हो सकता है गैस मेरी फेवरेट चीज मेकअप में लिपस्टिक, ये है ZM की लिपस्टिक, ट्रांसफर प्रूफ पावर मैटे लिपस्टिक है, एंड इस पर MRP तो सच बताऊं 599 यानी 600 रुपए पड़ रही है, बट ये सेल में गाइस मुझे पड़ी थी 154 रुपीज की मात्र। इसका शेड नंबर है 09 चेरी नेक्टर, और बहुत ही प्यारा शेड आया है सच में, और बहुत अच्छी लिपस्टिक है, वाटर प्रूफ है, और शायद इस मतलब अच्छी खासी लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने इसको सिर्फ हैंड पर ही लगा के देखी थी, तो मैंने पानी में भी वॉश किया था, हैंड तो छूटी नहीं थी, मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, मैंने कहा पहले आप लोगों को दिखाऊंगी उसके बाद ही मैं इसको यूज करूंगी। तो इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, एंड गाइज देखिए पर्पल कलर का कुछ शेड है, बहुत ही प्यारा सा शेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मतलब
स्मूथ है, मतलब चलाने में यार लगाने में बहुत स्मूथ है। मैं ब्रश वाली मेरे पास बहुत सारी थी, मैंने कहा इस बार कुछ इस टाइप की लिपस्टिक ट्राई करते हैं, एंड बहुत सस्ती हो गई थी ये एकदम से, तो मैंने कहा यार इसको ले लेती हूँ। रिव्यू बहुत अच्छे थे क्योंकि मैंने जेडएम के कभी प्रोडक्ट लिपस्टिक वगैरह यूज नहीं किए हैं, मैंने नया ही प्रोडक्ट देखा था, बाकी रिव्यू बहुत ज्यादा अच्छे थे। मैंने कहा चलो यार 150 रुपए में क्या जा रहा है, लिपस्टिक कहाँ मिलेगी 150 रुपए की, इसलिए मैंने मंगा ली। और मुझे लग रहा है यार अच्छी मंगा ली, मतलब बहुत अच्छी लगी। बाकी मैं इसको जब लिप्स पर लगाऊंगी तो और देखती हूँ कैसी है। बाकी मैंने जब हैंड पर लगाई थी तो ये मतलब छूट नहीं रही थी, मैंने इसको छुटा के भी देखा था तो छूट नहीं रही थी, तो वाटर प्रूफ है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी थोड़ा बड़ा सा डब्बा है, सो आप लोग सोचेंगे कि क्या है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने मंगाया था शैम्पू लॉरियल का, 1 लीटर वाला है भाई। मैं ना जब सेल आती है ना तो 1 लीटर वाला ही मंगाती हूँ। लास्ट ईयर मैंने ये डब का मंगाया था तो वो मेरा पूरी साल चल जाता है। इस बार मैंने लॉरियल का मंगाया है और इसके प्राइस गाइस लिटरली इतने ज्यादा ड्रॉप हो गए थे, 200 रुपए कम हो गए थे। अब बताओ 200 रुपए सेल में कम हो गए तो सेल है नहीं है बढ़िया, तो पता नहीं क्यों लोगों को लगती नहीं है, बट मुझे तो ये सेल बहुत अच्छी लगती है। ये है ड्रीम लेंथ लॉरियल पेरिस इंटेंसली रिपेयर लेंस लॉन्ग डैमेज हेयर, मतलब डैमेज हेयर के लिए है। ऐसा मेरा कोई इश्यू नहीं था डैमेज हेयर का, बट थोड़े बहुत नीचे से बेकार हो रहे हैं तो मैंने कहा ले लेते हैं। मतलब ये था गाइज 492 का पड़ा मुझे, ये मुझे पड़ा 492 का, जबकि अब इसके प्राइस पता है क्या हुआ है 666 और 180-190 रुपए के करीब बढ़ गए हैं इस पे। बाकी इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे और लॉरियल के तो अच्छे हैं, मैं यूज कर चुकी हूँ। तो लॉरियल का पहले मैं व्हाइट वाला यूज कर चुकी हूँ इससे पहले। इसके साथ मैंने इसी का मंगाया था कंडीशनर, तो ये मुझे पड़ा था 173 रुपीज का। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है प्राइस का क्योंकि मैंने चेक नहीं किया इसका, तो मैं चेक कर रही थी कि मैंने देखू तो यार कितने का हो गया अब ये, तो अब वो महंगा हो गया इसका मुझे नहीं पता। ये मैंने 173 रुपीज का खरीदा था, ये कितने ml है, वैसे इस पे 239 रुपीज पड़ना है और ये 180 ml है, छोटा है कंडीशनर ना, मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ मुझे या तो कोई ऐसा वीडियो शूट करना होता है या फिर मैं कहीं जा रही होती हूँ तो ही मैं कंडीशनर यूज करती हूँ, क्योंकि पता है मुझे लगता है ना कंडीशनर करने से मेरे और ज्यादा बाल निकलते हैं, इसलिए मैं कंडीशनर कम यूज करती हूँ, इसलिए मैंने इसको छोटा वाला परचेज किया। ये 173 का आया था, तो इतने बड़े डिब्बे में ये 2 आइटम आई थी। नेक्स्ट है मेरी शॉपिंग में एक चीज, ये गैस करिए क्या हो सकता है, कुछ समझ में आ रहा है तो मैं आपको दिखा दूं। ये है वाइप्स मंगाए थे मैंने, मिलाप के वाइप्स, जो कि मुझे पड़े थे 133 के 50 पीस, यानी कि एक में 25 है एक में 25 है, तो ये दो का कॉम्बो आया था। ये मुझे 133 के पड़े थे मिलाप के, बाकी रिव्यू इनके अच्छे हैं, फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। मतलब ये मैंने मेकअप रिमूव करने के लिए मंगाए थे, वो गार्नियर का जो आता है माइसलर वाटर वो मेरा खत्म हो चुका था, तो इस बार मुझे वो नहीं लेना था क्योंकि थोड़ा इश्यू रहता है उसको कैरी करने में। मैंने दो बार लिया है उसको, बड़ी बड़ी बॉटल मंगाई थी, दोनों बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं उसको घर गई थी तब लेके गई थी और दोनों बार ही, एक बार तो उसका मतलब जो कैप था वो खुल गया तो वो सारा मेरी मेकअप किट में बिखर गया था, मुझे इतना दुख हुआ सच में, क्योंकि वो 200-300 रुपए का मैंने बड़ा वाला मंगाया था और फिर उसको कैरी करने में भी प्रॉब्लम आती है, बड़े में ज्यादा उसमें फायदा होता है इसलिए मैं बड़ा ही मंगाती थी, और इतना बड़ा लेके जाओ किट इतनी भारी हो जाती थी। ऊपर से सेकंड टाइम क्या हुआ था, चीकू ने मेरा वो उसका कैप तोड़ दिया और गिरा दिया, तो मैंने कहा इस बार मैं नहीं मंगाऊंगी जो माइसलर वाटर है गार्नियर का, बट लेकिन वो बहुत अच्छी चीज है, एकदम से क्लीन कर देता है आपका फेस। अब इस बार मैंने ये वाइप्स मंगाए हैं, मैंने कहा चलो अब इस बार ये ट्राई करके देखते हैं। छोटा सा है, आप अपने पर्स में भी इसको डाल के ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ना कुछ गिरने का डर, ना कुछ बिखरने का डर, ना कोई फटने का टूटने का कोई डर नहीं है इसका, आराम से ले जाओ, आराम से ये भी आपके फेस को एकदम क्लीन कर देता है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप लोग जाके चेक कर लेना। प्राइस बढ़ गए होंगे बट कोई इशू नहीं, अगर अच्छी चीज है तो 10-20 रुपए मायने नहीं रखते हैं। सो गाइज हमारे हॉल का लास्ट प्रोडक्ट है ये आप लोग सोचेंगे लिपस्टिक फिर से, तो ये लिपस्टिक नहीं है, ये है लिक्विड आई शेडो, जो कि मैं बहुत दिन से मंगाने की सोच रही थी, फाइनली मैंने मंगा लिया। ये रोन्जिल का है, वैसे मैंने सोचा नहीं था मैं इसका यूज करूंगी, बट मैंने जब रिव्यू देखे, मैं ज्यादातर चीजें रिव्यू देख के परचेस करती हूँ, तो मैंने जब इसके रिव्यू देखे तो मैंने सोचा चल इसको बाय करके देखते हैं, रिव्यू बहुत अच्छे थे। इसमें गाइज आपको काफी सारे शेड्स मिल जाएंगे, मैं आपको इसका शेड दिखा देती हूँ, ये कुछ गोल्डन सा शेड है, बहुत ही प्यारा सा, रिसेंटली मैंने इसको अभी यूज किया था अपनी दुर्गा पूजा वाले लुक में,
तो मुझे लगा के मजा आ गया, मतलब ऐसे हल्के से टॉप अप करो और आईज एकदम ग्लिटरी हो जाती है। ये थोड़ा ग्लिटर वाला है, लिक्विड है। चीकू मांग रहा है कि मम्मा मुझे ये दे दो, ले चल ठीक है जाओ। ग्लिटरी वाला है गाइज, मुझे ग्लिटर वाला ही चाहिए था कुछ, बट लिक्विड में चाहिए था। और इसका जो पाउडरी वाला है वो मेरे पास कई सारे ऐसे शेड्स हैं, बट ये लगा के ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अगर आप ना कुछ भी ना करो, सिर्फ इसको हल्का हल्का इसी की हेल्प से ऐसे लगा लो और बस लाइनर लगा लो, बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये ऐसा कलर है कि आपके सारे आउटफिट पर मैच हो जाएगा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही सस्ता है, 132 रुपीज का है। वैसे मैं स्विस ब्यूटी का लेने की सोच रही थी, बट मैंने कहा चल ठीक है इसको यूज करके देखते हैं कि ये कैसा है। तो अगर आपको बाय करना है तो लिंक मैं दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना, बाकी बहुत अच्छा है। ये आपको मीशो पर भी है, ये पता है मीशो पर भी है और ये फ्लिपकार्ट पर भी है, बट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो आप लोग देख लेना। सो गाइज, यही था मेरा आज का हॉल, बिग बिलियन सेल का हॉल। आई होप आप लोगों को मेरी शॉपिंग में इंटरेस्ट आया होगा, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आजकल क्या है ना, शॉपिंग देखना लोगों की अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं इस टाइप की वीडियोस पता देखती रहती हूँ किसी की शॉपिंग वगैरह की, किसने क्या क्या खरीदा है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ इस बहाने, मतलब वीडियो के जरिए आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या क्या खरीदा। आई होप आप लोगों को मेरी आज की शॉपिंग अच्छी लगी होगी। तो यही थी मेरी कुछ शॉपिंग, बाकी एक दो चीजें मैंने मीशो से की थी, तो मैंने वो उसको इसमें ऐड नहीं किया, मीशो को फ्लिपकार्ट में। तो गाइज वो चलो छोड़ो, वो आप अगर दिखाऊंगी तो मैं शॉर्ट्स में दिखा दूंगी। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मिलती हूँ मैं आप लोगों से जल्दी ही अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तो अब मुझे विदा दे दीजिए, तो गाइज चलिए चलते हैं, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइज, बाय, टेक केयर।